स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लेसन के और ट्रीटमेंट फॉर मॉस्किटो। इसका मतलब क्या है? जब हमें मलेरिया होता है, बट नेचुरल मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? मॉस्किटो के काटने से होता है। तो उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ब्लड टेस्ट। रजत इज बैक एट स्कूल, ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मेनी डेज। रजत था स्कूल में पढ़ता, वो काफी टाइम से स्कूल में एब्सेंट था। काफी टाइम के बाद जब रजत स्कूल गया तो उसके सब फ्रेंड्स है, ये है उसके फ्रेंड्स के नाम, जसवीरा है, रजत है, वैंसी है, आरती है, ये सब उसके पास फ्रेंड है। तो उन्होंने कहा, रजत क्या बात है, तुम बहुत दिन के बाद स्कूल आए हो, तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा ना घर पे, वैकेशन छोटी सी मिली वैकेशन एंजॉय करने के लिए। रजत ने कहा, नहीं मैं काफी दिनों से बीमार था, कोई इतने बीमारी में फीवर में कैसे वैकेशन एंजॉय कर सकता है, हॉलीडे कैसे एंजॉय कर सकता है, मैं तो बहुत परेशान हो गया, कड़वी कड़वी दवाइयाँ खा के, ब्लड टेस्ट करा के, मैं सही में बहुत परेशान हो गया। तब उनके फ्रेंड्स ने उनसे पूछा और कहा कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट हुआ था लेकिन क्यों? तो रजत ने बताया, क्योंकि जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला, उसके बाद पता चला कि मुझे मलेरिया हुआ है। तो उसके फ्रेंड्स ने कहा, लेकिन ये तो बहुत पेनफुल हुआ होगा, तुमको ब्लड टेस्ट किस तरीके से करा? तो बोले, डॉक्टर ने मेरे ये फिंगर है उसमें नीडल डाली थी और 2 ड्रॉप्स ब्लड के लिए, उसके बाद उन्होंने ब्लड टेस्ट करके बताया कि आपको मलेरिया है। उसके फ्रेंड्स ने बोला, ऐसा होता है मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, लेकिन मेरे घर तो कितने सारे मच्छर है लेकिन मुझे तो कभी मलेरिया नहीं हुआ। तो उसकी फ्रेंड ने कहा, नैन्सी ने बोला, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मच्छर के काटने से आपको मलेरिया हो, सब मच्छर एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु जो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है वो मच्छर अपने साथ जर्म्स को कैरी करते हैं और उसके बाद वो आपको बाइट करते हैं तो आपके बॉडी में वो जर्म्स जाते हैं, उसके बाद आपको मलेरिया होता है, लेकिन हर मच्छर के काटने से आपको मलेरिया नहीं होता है। आई बात समझ में आपको? तो उसकी फ्रेंड ने बोला, ठीक है। उसके बाद ये तो डिस्कशन सब फ्रेंड्स के बीच में ऑलरेडी चल ही रहा था। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हमें मच्छरों से बचने के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन लेने चाहिए। तो आप जनरली देखते हो, आप खुद भी देखते हो, और आपके घर में इतने सारे मच्छर होते हैं, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या प्रोटेक्शन करते हैं? हम पॉलीमर क्रीम लगाते हैं, कई लोग अपने बारी पे नेट लगाते हैं, कॉइल चलाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ओडोमस लगाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऑल आउट यूज करते हैं, जिससे हम अपने आप को मच्छर से प्रोटेक्ट कर सकें, और हमें करना भी चाहिए। दूसरा, हाउस फ्लाई स्प्रेड डिजीज। हाउस फ्लाई भी है जिसे हम मक्खी कहते हैं, वो भी हमारे साथ ऐसी ऐसी बीमारियाँ, यानी उससे हमारे कोई ऐसी ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके बारे में हम नहीं चाहते। हाउसफ्लाई क्या करती है? हमेशा गंदी गंदी चीज़ों के ऊपर ही बैठती है। हाउसफ्लाई मतलब मक्खी हमेशा गंदी चीज़ों के ऊपर बैठती है, उसके बैठने से उसके बॉडी के ऊपर जो जर्म्स चिपक जाते हैं, फिर वो आके हमारे खाने के ऊपर बैठ जाती है और वो जर्म्स वहाँ पे छूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो खाना हमारे पेट में जाता है और वो जर्म स्प्रेड कर देता है, जिसकी वजह से हमें भयानक बीमारी हो जाती है, जैसे कि कॉलेरा हो जाता है, टाइफॉइड हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ये सब बीमारी हमें मक्खी की वजह से होती है, हाउसफ्लाई की वजह से मिलती है। आए समझ में? डॉक्टर मॉरियन ने रजत का ब्लड टेस्ट किया था, उनको किस तरीके से पता चला कि इसको मलेरिया है? जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसमें इस तरीके से दिखाई देता है, पर्पल कलर के जो जम्स होते हैं, तो पहली रिपोर्ट जो थी, पहले जो सर्कल था जिसमें रिपोर्ट थी वो एकदम नॉर्मल थी, पर जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हर एक छोटी सी चीज़ आपको बहुत बड़ी होकर दिखाई देती है और जिससे बहुत इजी हो जाता है आपको स्टडी करने में। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप डॉक्टर ये जज कर पाते हैं बहुत इजीली कि इसको क्या बीमारी है। तो फर्स्ट उसने देखा तो एकदम नॉर्मल था, दूसरे उसमें देखा तो थोड़े 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 पर्पल कलर के सेल दिखाई, फिर तीसरे सर्कल में देखा तो उससे ज़्यादा जम्स,
से ज्यादा जर्म्स पर्पल कलर के सेल दिखाई दिए, ज्यादा जर्म्स दिखाई दिए, जिससे ये डिक्लेयर होता है कि इसको मलेरिया है, जिसकी वजह से डॉक्टर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस बच्चे को मलेरिया है। अब एक टाइम ऐसा था, एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल, दिल्ली के एक स्कूल में। जनरली एनीमिया क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दिल्ली के एक स्कूल में 17 नवंबर 2007 वो स्कूल में थाउजेंड बच्चे जो स्टूडेंट पढ़ते थे उनमें से बहुत सारे बच्चों को एनीमिया था। इसलिए आपने जनरली देखा होगा अपने स्कूल में भी ऐसा होता है कि हमेशा गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड करी है हर बच्चों के लिए, ताकि स्कूल में हर बच्चों का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो इसी वजह से होना चाहिए क्योंकि बच्चे जनरली खाना पीना ढंग से नहीं खाते, जनरली बच्चे एनेमिक होते हैं, उनके अंदर खून की कमी होती है। जिस बच्चों के अंदर खून की कमी होती है उसको एनेमिक कहते हैं, यानी कि एनीमिया की कमी है। एनीमिया की कमी का मतलब होमोग्लोबिन कम है और आयरन की कमी है उसके अंदर, और ये इस चीज की कमी होने के कारण बच्चों के अंदर क्या क्या चीजें दिखाई देती है। एक तो वो बहुत लेजी होगा, ढंग से खाना नहीं खाएगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, वीकनेस ऐसा फील करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि हर स्कूल में हमेशा बच्चों का मेडिकल चेकअप होगा, और फिर उसके बाद जब पता चलेगा कि बच्चे जो बच्चे एनेमिक है उनको आयरन की टैबलेट दी जाएगी, हर बच्चों को आयरन की टैबलेट दी जाएगी, क्योंकि ये बीमारी उनके मेंटल लेवल एज वेल एज फिजिकल लेवल को इफेक्ट करती है, और जो होना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो सकती है, ग्रेसिपिंग पावर भी स्ट्रांग नहीं होता है, ढंग से लर्न नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को फेस ना करना पड़े इसकी वजह से गवर्नमेंट हमेशा बच्चों को आयरन की टैबलेट देती है मेडिकल चेकअप करने की वजह से हेल्प करती है। ठीक है, इसीलिए वो हेल्प करती है हमें। दूसरा एनीमिया, व्हाट इज एनीमिया, यानी कि एनीमिया क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको उसके बारे में बताया। ठीक है, और हमें एनीमिया ना हो क्या क्या चीज़ें हमारे रेगुलर रूटीन में ऐड करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें बीमारी का सामना ना करना पड़े। न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड, हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। अब जैसे कि है कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट है ये क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाने में हमारी हेल्प करता है। प्रोटीन मसल्स बिल्डअप करता है, हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। तीसरा है विटामिन फाइट करता है डिसीज से, कि कोई भी डिसीज हमारी बॉडी में इजीली एंटर नहीं हो सकती है। तो आपको मालूम ही होगा, सब कहते हैं कि विटामिन सी खाना चाहिए, कोविड की वजह से हर जगह आपने सुना होगा न्यूज में, टेलीविजन में, आपके टीचर्स भी आपको ये गाइड करते हैं कि विटामिन सी खाओ और कोविड को भगाओ। ऑलरेडी मैं पहले भी आपको इस चीज़ के बारे में बता चुकी हूँ। तो जो विटामिन होता है वो हमारी बॉडी को फाइट करता है, डिजीज को एंटर नहीं होने देता। और दूसरा है मिनरल से पूरा बॉडी का हेल्थ पूरा डिपेंड होता है मिनरल के ऊपर, जिसमें आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा हमें मिलता है। तो हमें हमारे रेगुलर रूटीन में ये सारी चीज़ों का इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीज़ें हमें खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी एकदम स्ट्रांग हो और एनीमिया जैसी बीमारी हमारे अंदर ना आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे रेगुलर रूटीन में हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स खाना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया खाने में हमारे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, और इसके अलावा हमारा आयरन बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो उसके लिए हमें जैगरी खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, और विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो। उसके कारण कभी भी हमारा होमोग्लोबिन कम नहीं होगा, अगर होमोग्लोबिन कम नहीं होगा तो हमें कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, हमें हमेशा स्ट्रेंथ मिलेगी और एनर्जी रहेगी हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपने रेगुलर रूटीन में खाने पीने के रूटीन में ये सारी चीज़ों का उपयोग करें। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे मेडिसिन फॉर मलेरिया। होना ट्री वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया, ये तो आप जानते हो, ये एक ट्री का नाम है। पुराने जमाने में भी तो मलेरिया जैसी बीमारियां होया करती थी, तो क्या
कैंसर थे वो लोग इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते थे। आजकल तो इतनी सारी दवाइयाँ निकल गई है, हर बीमारी के लिए कोई ना कोई दवाई निकल गई है। अब जैसे कि कोविड के लिए भी हम कितना परेशान हो रहे, लेकिन टेंशन मत करो, इसके लिए भी कोई ना कोई अच्छी सी दवाई तो आ ही जाएगी, जैसे इन सब बीमारियों के लिए आ गई है। ठीक है ना, जैसे पहले सुना था कि स्पाइन फ्लू है, बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा टाइम वेट किया लेकिन उसकी भी तो दवाई आ ही गई ना। इस तरीके से हमारी कोविड की भी दवाई आ जाएगी, हमें इस मामले में टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे कि मलेरिया, अब आप सोचो कि पुराने लोग किस तरीके से इस बीमारी को फाइट करते थे, हर चीज़ का कोई ना कोई देसी इलाज तो होता ही है। तो पुराने लोग क्या करते थे, ये जो ट्री है इसकी जो ट्रंक थी, जो बार्क ट्रंक कहते हैं ना, हाँ, उसको पानी में बॉइल करते थे, उसको पानी में उबालते थे, बॉइल करने के बाद वो पानी पीते थे, उसको पीने से मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी ठीक हो जाती थी। तो पुराने लोग ये सब ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते थे। तो मेडिसिन फॉर मलेरिया, चिंचोना ट्री वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया, और अब क्या हुआ, अभी भी मलेरिया के लिए यही ट्री यूज किया जाता है ऐसे मेडिसिन। अब क्या किया जाता है, उसकी टेबलेट्स बनाती है, हाँ, उसकी टेबलेट्स बना के सब जगह सप्लाई करती है, लेकिन ये हेल्प तो हमें कर ही रहा है मलेरिया जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब रोनाल्ड रोज, ये कौन है, ये एक साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया था, मलेरिया को आइडेंटिफाई किया था कि मलेरिया कैसे होता है, कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1902 में फॉर दिस डिस्कवर। रोनाल्ड रोज साइंटिस्ट वन अ नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, मलेरिया की दवाई के लिए, उनकी दवाई निकालने के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अब इन्होंने क्या करा था, मलेरिया की दवाई निकालने के लिए इन्होंने बहुत समय मच्छरों के साथ गुजारा था, जिसकी वजह से इनको खुद को भी मलेरिया हो गया था। फिर इन्होंने स्टडी की, करी बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करी, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई कर पाए कि किस तरीके से मलेरिया होता है। उनका ऐसा कहना है कि फीमेल एनोफिलेस मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, जो फीमेल एनोफिलेस मॉस्किटो है, हाँ, वो मलेरिया स्प्रेड करती है। वो किस तरीके कैसी दिखाई देती है, ब्राउनिश मॉस्किटो विथ स्पॉटेड विंग्स, वो कैसी दिखाई देती है, ब्राउनिश मॉस्किटो विथ स्पॉटेड विंग्स। ये इसने डिस्कवर किया था एक रोनाल्ड रोज साइंटिस्ट ने, मलेरिया के बारे में पता किया था कि ये कौन से मच्छर के काटने से होता है। आया समझ में।